जो समाज के ऊपर जो हमेशा जो अन्याय होते आ रहा है जी, बीते कुछ दिन पहले जो संत रविदास जी का मंदिर जो गैर कानूनी तरीके से जो तोड़ा गया, एक भावना दिख जाती है कि इनका पर्पस क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोगों को और उनके महापुरुषों को बदनाम करने का काम करेंगे और लड़ेंगे। हम तो लड़ेंगे भाई, चाहे आप जो भी करो, जब भी आप हमारे साथ कुछ करोगे तो हम लड़ेंगे। आज देख रहे हैं हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक आंदोलन देखा था 2 अप्रैल वाला, और आज देख रहे हैं दूसरा आंदोलन जो दिल्ली के ही अंदर जो उससे भी बड़ा हो रहा है। ये सरकार को हम एक चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो आपकी गद्दी जाने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और आपका बहुजन जाग चुका है। देखिए, आस्था के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि बहुजन समाज की महिलाएँ आस्था में भी हैं लेकिन आजकल रोडों पर भी हैं। जो नहीं मानती है वो रोडों पर भी घूम रही हैं और अपने आंदोलन कर रही हैं और लड़ भी रही हैं। अब देखिए, आस्था तो हम किसी के एकदम से ख़त्म कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सबका अपना पर्सनल मैटर भी हो जाता है और इतनी पुरानी आस्था को हम कैसे ही ख़त्म करें। तो हम अपना आंदोलन कर रहे हैं और चल रहा है हमारा आंदोलन। जी, मेरा नाम कीर्ति प्रभा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आस्था का विषय है, क्योंकि ये हमारे रोल मॉडल, हमारे आइडल्स हैं। तो हम किसी काल्पनिक चीज़ में भरोसा नहीं करते कि हम मंदिर बना दिया और हमने मूर्ति रख दी, हम वैसा नहीं करें। आस्था वो है लोगों की, हमारी आस्था नहीं है, हमारे आइडल्स। ये आस्था का विषय मैं नहीं मानती कि आस्था का विषय है, ये हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आज जो बहुजन समाज ने आज अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। पूरे देश से यहाँ पर रविदास जी को, बुद्ध को और अम्बेडकर को मानने वाले आज यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। और मुझे लगता है कि यही ताकत अगर ये अपनी लगातार रहेंगे तो मंदिर के हमारे जितने भी काम हैं हम सब पूरे कर लेंगे और मंदिर तो हमारा ज़रूर बनेगा और हम मंदिर पूरा बनवा के ही जाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा यहाँ पर। मेरा नाम किरण पाल है, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट से इंस्पेक्टर रिटायरमेंट हूँ और मैं ये देख रहा हूँ जितने भी हमारे रिजर्व सीट से MP, MLA, निगम पार्षद कोई भी हो, कोई भी स्टेट हो, ये नहीं है दिल्ली का हो, UP, हरियाणा, जो रिजर्व सीट से लड़ा हुआ है, ये रिजर्व सीट की लड़ाई है हमारे यहाँ। जो हमारे रविदास जी का मंदिर तोड़ा है रिजर्व सीट से, इनको शर्म आनी चाहिए। जितने MP बने हुए हैं, जितने निगम पार्षद हैं या MLA हैं, शर्म आ जाएगी। आगे जाने टाइम में उनको हराओ और अपना आदमी ऐसा लड़ाओ जो उसको रोज हारे। नहीं, मोदी सरकार देखे वो मशीन में हेरा फेरी है। जिस आदमी ने जो दिल्ली में लड़ा था, एक उसकी घर का एक वोट भी नहीं आई, क्या उसकी घरवाली वोट नहीं दी उसको? उसकी घरवाली वोट दी होगी, उसकी एक सीट भी नहीं आई जो 20 वोट उनके अपने घर की थी। ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं उतरे आप लोग? उतर रहे हैं, पब्लिक सब आम उतर रही है। मुरादाबाद का नजारा देखा, जिसने वो आवाज उठाई थी उसको गोली मार दी गई थी। मुरादाबाद में चुनाव भी स्थगित रहा, लेकिन ये जबरदस्त पार्टी होने के नाते, अपनी वो दिखाने के नाते, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, अत्वादी है, अत्वादी है। हाँ, लोगों को मराया करता है। क्यों हटे बाबेरा मंदिर? क्यों तोड़ा बाबेरा मंदिर? इतने मंदिर है, एक एक फोटो बाबे की कट के बाहर मारांगे, राम दी, लक्ष्मण दी, सारे नहीं मारांगे। हूं ही देखो हूं की बंदा मोदी का बाप आ गया है। वो बाप, उसका बाप जो बोलेगा वही फैसला होएगा। मोदी का बाप आ गया है, मारोगे? फिर मारोगे जिन्हें हमारे भगवान को बाहर मारा है, हम लोगों के उनके भगवान क्या है? अगर हमारे बाबा जी की इज्जत करेंगे तो हम भी उनकी करेंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं करेंगे, हम लोग उसको बाहर फेंकेंगे। मैं जगदीश राय, पार्षद गुहाना, वार्ड नंबर 23। मैं भरसक प्रयास करता हूँ, भाई विरोध करता हूँ इस बात का, जो हमारा बाबा साहब का मंदिर 600 साल पुराना है वो इन्होंने तोड़ा है, खंडित किया है। हमारे जितने पार्षद, MLA, हाँ जी, हाँ जी, कल हमने हजारों की तादाद में गुहाने प्रदर्शन ज्ञापन राष्ट्रपति को, गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, हमने सबको ज्ञापन दिया है और विरोध किया है। और रोज के साथ हम कम से कम हजारों की संख्या में आए हैं आज गोहाना से और विरोध के लिए आए हैं। भाई हमारा मंदिर वहीं बनेगा, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं संतोष बोरावकर, नांदेड़, महाराष्ट्र से हूँ। हमने पूरे महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति को ज्ञापन देके रोड रोड पर रास्ता रोको आंदोलन किया है। हमारा जो 600 साल पुराना रविदास महाराज जी का जो मंदिर इलाहाबाद दिल्ली में जो है वो गिराया गया है, उसके विरोध में आज हम हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली रामलीला मैदान पर हजारों लोग आंदोलन के लिए वास्ते आए वाले हैं। जो कोई बंद हो गया, राजस्थान बंद हो गया, दिल्ली भी बंद हो गया, हमारा महाराष्ट्र कब बंद करोगे? हमारा महाराष्ट्र में हर एक कलेक्टर ऑफिस को हमारा ज्ञापन सौंप
सौंप दिया है। अब हम यहाँ से जाने के बाद में एक दिन हम महाराष्ट्र पूरा बंद रखने वाले हैं। जय भीम, जय रविदास। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बैल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।